अगे वधदे आ तुहानूं लै चलदे आ जिथे श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुणदे इन्वेस्टमेंट तां आउंदी है जे उत्थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होए, उह सूबे दी सरकार चंगे इनसेंटिव दे, ते जिहड़ी रॉ मटीरियल है खास करके बिजली उह सूबे विच पूरी मिलदी होए। सही मैंने ते श्रोमणी अकाली दल की जो सरकार सी आ महकमा इन्वेस्ट पंजाब असी बनाया सी, मतलब की सी कि उदों किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई काम शुरू करना होए कल्ले एक दफ्तर जाने की लोड़ नहीं सी, लोड़ सी सारे महकमिया की पावर असी एक अफसर नूं देती सी। उदों वर्ल्ड बैंक ने भी क्लिक दे दसता सी कि सब तो वधिया रिफॉर्म्स जे किसी ने किया तो उदों श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने किए, तो सानू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच एक नंबर की सूबा डिकलेयर किया सी पंजाब सरकार ने। पर जो सरकार गई जिहड़ा इनवेस्ट पंजाब का महकमा सी कैप्टन साहब की सरकार ने बिल्कुल ही डिसइनवेस्ट कर दिता, मतलब जिहड़ियां पावर असी एक अफसर नूं दित्तियां सी वो वापस पावर वापस अलग अलग महकमियां चले गई। तकरीबन जे किसी ने कोई कारखाना लाना पंजाब च या इनवेस्टमेंट करनी है 20-22 महकमियां कोल जाना पैंदा, असी वो 20-22 महकमियां नूं बंद करके असी एक महकमा करता सी, ते कांग्रेस सरकार ने वापस 20-22 महकमे वापस खड़े कर दिते, तो माहौल जिहड़ा इनवेस्टमेंट का सी अपने आप ही इंडस्ट्री इतों भजन लग गई। पर जदों की भगवंत बेईमान की सरकार आई है इन्होंने तो माहौल होर खराब कर दिता। सब तो वड्डी गल है लॉ एंड ऑर्डर की, अज पंजाब हालात की है, गैंगस्टर पंजाब की सरकार चला रहे हैं, कोई इंडस्ट्री पंजाब लाने को तैयार नहीं क्योंकि गैंगस्टर के फोन आ जाते हैं। तुसी देखिया होना पिछले दिन कई पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट माने तने इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी बिहार झारखंड फैक्ट्रिया लाने चले गए, क्यों? मैं उन्होंने टेलीफोन करके पूछा, वो कहते सानू रोज़ गैंगस्टर के फोन आते हैं, दो दो चार चार पाँच पाँच करोड़ असी दे चुके हैं हले भी नहीं हटते, रोज़ देख लो किवें कोई लुटिया जा रहा है, कोई बैंक लुटिया जा रहा है, कोई इत्थे लड़कियां ते उत्ते वार किए जा रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई वारदात वड्डी पंजाब हो रही है। पंजाब सरकार ए लगती नहीं कि सरकार है अज पंजाब च, तो इनवेस्टमेंट कौन आऊगा? मैं भगवंत बेईमान नूं पहले कल कहना चाहुंदा है इनवेस्टमेंट समट रखने तो पहले उन्होंने सब तो पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करो। अज जिहड़ी बिजली की डिमांड है वो कट लगन लग गए है, तुसी इंडस्ट्रियलिस्ट नूं झूठ बोलोगे कि साडी बिजली सरप्लस है पर है नहीं, पिछले 6 साल एक भी नवा यूनिट बिजली का पंजाब सरकार ने नहीं नवा बनाया, जिवें असी थर्मल प्लांट ला के पंजाब सरप्लस करता सी, पर क्योंकि हर साल 600 मेगावाट की डिमांड बढ़ती है, 6 साल के अंदर पिछले कैप्टन की तो हूँ इन्हें सरकार 3600 मेगावाट की डिमांड बढ़ गई, पर इन्होंने कोई यूनिट नहीं लाया। हुण गर्मियां देखोगे किन्ने कट होने हैं, तो तुसी फिर तो झूठ बोलोगे, लोगों में नाश्ता आ जूगी, तो जिहड़ा इनवेस्ट पंजाब रख्या चंगा, सरकार की जिम्मेवारी है इनवेस्टमेंट लेके आओ, पर इनवेस्टमेंट लियाउण वास्ते कि जलूस ना कढ़ा दिओ अपना सूबे का। लॉ एंड ऑर्डर देख के लोगों डर पै रहा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, बिजली पूरी करो, तो जिहड़ियां दूजियां एयरपोर्ट असी खोले सी थोड़ी सरकार ते आउंदे सारे बंद पए है वो खोलो, जे तुसी पॉजिटिव गल करोगे ताई इनवेस्टमेंट आऊगी। आ जिहड़ा इन्हां दा ड्रामा है, इन्हां दी सोच है कि अखबारां ते इश्तिहार दे के लोगों नूं बुला के चाह पानी पिला के हुण परसों चौथे फिर तो इश्तिहार च आ जूगा कि 1,00,000 करोड़ की असी इनवेस्टमेंट लियांदी, आउणी कोई नहीं। आ जिहड़े इन्हां दे सैकटरियां ने ड्यूटी लाई है, मैनू कई इंडस्ट्रियलिस्टां ने दस्या कि सानू हुक्म आया कि तुसी उत्थे पहुँचना तो उत्थे ऐलान करना है कि मैं 5,000 करोड़ की फैक्ट्री लाऊंगा, मैं 2,000 करोड़ की फैक्ट्री लाऊंगा, मैं 4,000 की फैक्ट्री लाऊंगा, तुसी देख लियो
इन्वेस्टमेंट सबन के बाद लाख डेढ़ लाख करोड़ की इन्होंने बयान देना कि लाख डेढ़ करोड़ की लाख डेढ़ लाख करोड़ की फैक्ट्रिया लग गई हैं। जिमें इन्होंने हुणी 10 दिन पहले इश्तिहार दिता कि क्या कि 40-50 हज़ार करोड़ दी फैक्ट्रिया लग गई 2.5 लाख बच्चों को नौकरी मिल गई है। एडे वे झूठ इन्हां दी जिहड़ी सरकार है भगवंत बेईमान की कल्ली झूठ ते निर्भर है, हर रोज़ झूठ बोलती है। 750 करोड़ रुपया बजट रखिया मीडिया का इश्तिहारां का झूठ बोलने वास्ते, जिहड़ा एक बहुत वड्डा पंजाब की जनता नाल धोखा है। सो मैं पंजाब की जनता नूं बेनती करना, उन्हां दी तरफों मैं सरकार नूं बेनती करना चाहुंदा कि तुसीं पंजाब नूं सरकार नूं संभालो। सरकार तुसीं संभाल नहीं रहे, सरकार चला रहे केजरीवाल, जो फैसले हो रहे हैं केजरीवाल कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री तो कोई पुछता ही नहीं, राघव चड्ढा बनया पे चीफ मिनिस्टर, हर इंडस्ट्री नूं बुला के फरौतियां आप लई जांदे है। इन्हां दे MLA रोज़ करप्शन के केसां च फड़े जा रहे हैं ते आ बचाउण ते लगे है। सो ऐ जी हालात जै जी बन गई है, इनवैसटमेंट लियानी बड़ी मुश्किल होनी है। जिहड़े इनसेंटिव ना गुआंढी सूबे ने दिते है, घट तो घट उदों वधिया इनसेंटिव करो, क्योंकि इनवैसटमेंट तो आऊगी जे इनवैसटमेंट इनसेंटिव हो। पर तुसी जम्मू कश्मीर चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, अपने पंजाब नूं बेहतर इनसेंटिव उस स्टेटां ने दिते है। तो इस करके जिहड़ी सोच है ए सरकार दी, इनवैसटमेंट लियाउणा नहीं, सोच है कि झूठ बोल के इश्तिहार ला के लोगों को गुमराह करना है, जिहड़ी एक बहुत गलत पॉलिसी है। मैं तो कहना तुम मैं दस दौ एड्रैस दस्यो कितने लगिया फैक्ट्रिया, घर तो घर जाके देख तो लीए, मैनू ना दस अखबार इश्तिहार दे देन कि इस पिंड च असी आ लई है। 2.5 लाख बंदे का जिक्र करते हैं, मैनू दस देन कि 10 बंदे लगे इन्होंने, वो पिंड का ना दस देन अभी जाके मिलीए। 750 करोड़ का इश्तिहार देना वह भी झूठा इश्तिहार, एडा वड्डा पाप है। हुण इन्हें पिछे कहा कि असी जिहड़ा हैगा मोहल्ला क्लीनिक बना दे, की सी मोहल्ला क्लीनिक, वो पिंड वाले ने इन्हां सारे का जुलूस कढ़ता, पुरानी बिल्डिंगां उत्ते अपनी फोटो ला के, पुराने हस्पतालों उत्ते डिस्पेंसरियां ते फोटो ला के कहता मोहल्ला क्लीनिक है। पिंडां तो डॉक्टर उत्ते ट्रांसफर कर दिते, नर्सां करतियां जिथे पहले हस्पताल से बंद हो गए। ऐ तो नहीं कोई मोहल्ला क्लीनिक बंद है, बनाने हैं तो नवे बनाओ, नवी जगह पर बनाओ, नवी भर्ती करके बनाओ। तो फिर तो असी गल कहीए, इन्ना वांगू फ्रॉड काम नहीं होना चाहिए। आ सरकार की सारी सोच ही जाली है, जाली सोच लैके आ सारा कुछ कर रहे। आ जिहड़े इश्तिहार बाहरले सूबे ला रहे है वो पंजाब की बेहतरी वास्ते नहीं, वो उत्थे आम आदमी पार्टी अगले इलेक्शन च उत्थे लड़ना चाहती है, इलेक्शन उत्थे दिखाना चाहते हैं कि असी सरकार पंजाब बनी, असी आ काम करते, क्योंकि उन्होंने पता है कि महाराष्ट्र के लोग पंजाब जा के कड़ा पता करेंगे कितनी फैक्ट्री लगी है, कितनी नौकरी मिली है। हुण नागालैंड तमिलनाडु के अखबारों दे जाते इश्तिहार, एक एक इश्तिहार एक अखबार में भी 5-5, 6-6 लाख रुपये का होंगे। आ जिहड़े सेवा केंद्र अपने जिहड़ा मोहल्ला क्लीनिक बनाए, टोटल मोहल्ला क्लीनिक बनाउण ते 10 करोड़ रखिया, तो उहदी मशहूरी वास्ते 30 करोड़ रखिया। आ तो सोच इन्हां दी। जिहड़ा ओही मैं कह रहा पैसा किसी होर काम वास्ते आया सी, इन्हां ने ठगी मारनी सी, मारती हुण सेंटर ने फड़ लिया इन्हां नूं। हुण ओही गल है, मैं होना की है, तुसी 2 दिन समिट है, उहदे बाद फोटो खिचाउणगे ते उत्थे 1-1.5 लाख या शायद 2 लाख का भी ऐलान आ जाए, 2 लाख करोड़ की फैक्ट्रियां आ रही जी। क्योंकि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट नूं कहा तुसी इन्ना बोलना, तू इन्ना बोलना, तू इन्ना बोलना, तू इन्ना बोलना, धक्के नाल इनवैसटमेंट डक्का नहीं है। जे इनवैसटमेंट आई
वह श्रोमणी अकाली दल सरकार चाहिए जो एयरपोर्ट बने सड़कां बने पावर सरप्लस किया जिन्नियां रिफाइनरियां आई हैं उत्थे साइकिल सिटी खोली असी निटिंग सेंटर खोलिया असी टैक्सटाइल पार्क बनाए सारे अपनी सरकार के दौरान सी जिहड़े आए सी ना कैप्टन की सरकार च कोई आया तो आ तो जमा ही ठग है आ तो बेईमान है जलंधर तो तस्वीर साझिया कर रहे सन जिथे श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबे की कानून व्यवस्था जो बुरी तरह के नाल विगड़ी हुई है उसते श्रद्धा सार की गई तो नाल ही रज के शब्दी वार आम आदमी पार्टी से की गई कानून व्यवस्था ठीक करो बिजली पूरी करो फिर निवेश आएगा एक सलाह दी गई है सुखबीर सिंह बादल दे वालों भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ झूठ उत्ते निर्भर है लोगों नूं मूर्ख बनाया जा रहा है यह आख्या गया सुखबीर सिंह बादल दे वालों इत्थे रुकांगे एक छोटे जिहे ब्रेक लई जल्द हाजिर हुंदे हां।